हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले तो व्लॉग्स काफ़ी छोटे हो रहे हैं। इवन माय मॉम इज सेइंग कि रिया कितने छोटे व्लॉग्स, आई डोंट नो। मेरी मम्मी कभी बोलती नहीं है, बट शी इज सेइंग मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि व्लॉग काफ़ी छोटे हो रहे। सो यहाँ पर मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया एंड देन फिर पीयू की एबकस में हेल्प कर दी, क्योंकि पीयू को एबकस में हेल्प कर दी बेसिकली थोड़ी सी सॉल्व करके। एंड देन फिर माई मॉम मेड अ फेस पैक, तो मम्मी बोलती है लगाना है। मैंने लग दे दो, मैं तो एवर रेडी फॉर माई फेस, यू नो। मेरे को मतलब मेरे फेस की केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली घर के चीज़ों से तो आई जस्ट लव, क्योंकि बाहर की चीज़ तो मुझे सूट होती नहीं है बेसिकली। तो फिर मैं वही घर की चीज़ों से ही अपने आप को निहारती रहती हूँ बस अलग अलग चीज़ों से। तो फिर मैंने वो भी लगा लिया फेस पर अच्छे खासे, ताकि थोड़ा ग्लो आ जाए मेरे चेहरे पर ही नेचुरल ग्लो। तो फिर यस, एंड देन फिर हमने मस्त लगा लिया मस्त सा। सो गाइज, दिस इज़ माई फेस आफ्टर फेस पैक। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ना, आई नो। ये इस पागल लड़की को इग्नोर कर दो। सो यस, दिस इज़ माई फेस। अब चलते हैं नहाने। शी इज़ डम, लेजिट डम। फिर फेस पैक वगैरह धोने के बाद मैंने मस्त अपना छाछ बनाया घर पे। मैं खुद ही प्रीफर करती हूँ कि घर पे खुद ही बना लो, लाइक मिक्सर में थोड़ा सा 2 चम्मच दही है, पानी वगैरह डाल के, आइस क्यूब्स वगैरह डाल के खुद ही ग्राइंड कर लो, क्या चुम्मा छाछ बनता है, ट्राई करना, बहुत मज़ेदार बनता है। तो फिर मैंने वो इन्जॉय किया, और ऊपर से मुझे 400 ml छाछ पीना होता है। वॉज लाइक ओके, मैं खाना ना खाऊँ, मैं छाछ पी के ही जी। बट यस, फिर मैंने अपना छाछ ख़त्म किया, मैंने सबको भी बना के दिया, इसको भी पिलाया मैंने। मैंने इसको पूछा अच्छा बना, तो शी इज़ लाइक यस। और गाइस पता है, मैंने लाइफ में पहली बार ब्राउन राइस ट्राई किया, और ये ब्राउन राइस का पुलाव बनाया था, और दिस विल बी माय फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इन दिस अर्थ ब्राउन राइस को लेके मेरा पर्सपेक्ट बदल गया, क्योंकि इट्स जस्ट वर्स्ट। ऐसे खाने को ख़राब नहीं बोलते, बट आई डिडंट लाइक। ओके गाइस, नाउ वी विल यूज चॉप स्टिक फॉर राइस। अगर ऐसे उठाएंगे तो वी कैन एक्चुअली, जो लोग चॉपस्टिक से खाते हैं उन लोग के राइस स्टिकी होते हैं। स्टिकी होती है, इसलिए वो लोग थोड़े से ना सब बन जाते हैं, वही खाते हैं वो लोग। हाँ, से चॉपस्टिक में चिपक भी जाते हैं। उठता है लेकिन, ट्राई करेंगे तो उठता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उठेगा। यू एंजॉय, आई विल एंजॉय दिस। वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अपना पूरा मतलब दही के साथ ख़त्म किया जो भी पुलाव मैंने बनाया था। एक्चुअली ये मेरे लिस्ट में है नहीं, बट ब्राउन राइस था तो मैंने कंसल्ट करके खा तो लिया था। इट वाज ओकेश, बिल्कुल नहीं पसंद आया मुझे। जिन जो खाते हैं प्लीज़ डू लेट मी नो कि वो लोग कैसे खाते या कौन से ब्रांड का खाते हैं। मैंने हमारे घर पर जो आया था वो दावत का था, एंड इट वॉज़ नॉट गुड, आई डोंट नो व्हाई। बट फिर मैंने मस्त सा ख़त्म किया अपना लंच, एंड देन फिर हम गए ऊपर वॉक करने। लंच के बाद भी मैं 15 to 20 minutes वॉक करती हूँ। वॉक करने के बाद घर आके मैंने अपना ग्रीन टी बनाया आफ्टरनून में, एंड एक बार डार्क चॉकलेट खाया, क्योंकि जो है वो है। तो मैंने फटक से अपना पहले ग्रीन टी बनाने रखा और अपना डार्क चॉकलेट ख़त्म किया। मुझे वन क्यूब वन स्क्वायर वॉट एवर इट इज़ वो डार्क चॉकलेट खाना रहता है डेली, एंड देन फिर ग्रीन टी। और फिर इवनिंग में फिर मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, एंड देन फिर घर आके, बाहर का तो मैं बहुत अवॉइड ही कर रही हूँ आजकल। एंड देन फिर हमने घर आके ड्राई फ्रूट्स खाए, सम नट्स, वॉलनट्स, कैश्यूज एंड किशमिश और आलमंड्स। हमने सारा ड्राई फ्रूट्स खाया, क्योंकि क्या मुझे भूख लग जाती है शाम को, मुझे खाने की आदत है शाम को। बट यस, मेरे ट्यूशन के बच्चे थे, मैं आई मेक श्योर देम कि लाइक हम पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा फन भी करते, वो लोग मस्ती वस्ती भी करते हैं। एंड देन मैंने ये वीट पास्ता बनाया था डिनर में अपने लिए, वीट पास्ता बहुत यम बनाया था, शक्ल सूरत में मत जाना, बहुत टेस्टी बना था। एंड देन मैंने दिया ने पीयू ने मिल के खाया था बाई द वे वो। एंड फिर वापस मैं वॉक पर गई थी, वॉक से आके देन फिर मैंने पिया अपना ग्रीन टी।
आई नो गाइस व्लॉग काफ़ी छोटा बन रहा है, प्लीज़ डू लेट मी नो कि मैं लाइक थोड़ा बड़ा करूँ अपना टाइम वेस्ट करके निकाल के, क्योंकि नहीं हो रहा यार। मुझे पता है यार आप लोग बहुत मुझे मार डालोगे किसी दिन, बट येस आई विल मेक श्योर कि अब से व्लॉग थोड़ा बड़ा बनाओ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज इंजॉयड इट। प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मेरे को बताओ कि आप लोगों को रेसिपी भी जानना है कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सो मैं डेफिनेटली बताऊँगी। एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है डू लेट मी नो।